सो यो व्हाट्सअप गाइस, आज हम लोग खेलने वाले लीजेंड इन द मेकिंग चैलेंज। भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चैलेंज है ये, क्योंकि इसमें 10 लेजेंडरी शार्ट मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 12 विन पे। भाई आज अपन भी ये खेलने वाले एंड टीम्स यार देख लो, स्कॉर्पिना, व्हाइट निंजा और ब्लैक है। तो फर्स्ट में अपन ब्लैक के साथ आए हैं एंड ये कौन आ गया? ओहो ग्रीन रेंजर। ओ भाई साहब गोल्ड मतलब यार जियो का ग्रीन रेंजर आया है लेवल 1 और इनको लगता है कि भाई लेवल 1 से ये जीत जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ी गलतफहमी है यार, क्योंकि भाई लेवल 1 से यहाँ जीतना मुश्किल है। माना कि ये आउटो लेवल और ऑफ है और इनकी हेल्थ 24 के है, अपनी 27 के है, बट यार लेवल 1 से तो नहीं मुश्किल है। ब्लेस को छोड़ के बाकी किसी भी रेंजर से लेवल 1 में इस वाले चैलेंज को खेलना बहुत मुश्किल है। तो अपन ने यहाँ पे इनको लपेट दिया है, जो कि कुत्ते के भाव में डंडा मार के भगाया है भाई, कुल मिला के लौड़े लगा दिए हैं 12 के भाव में। एंड अभी यहाँ पे ग्रीन तो नहीं भाई, गोल्ड जियो रेंजर, यार एक के बाद एक जियो रेंजर आ रहा है, ऐसा क्यों भाई? जियो वालों पे कोई डिस्काउंट चल रहा है क्या भाई? मतलब जियो वालों में हेल्थ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं है इसकी, कम है उल्टा। ओके तो जियो वाले भैया भी कुछ सुअर गाड़ फाड़ खेल रहे हैं एंड अपने अपने पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है भाई। इंडिया गॉट टैलेंट में भी मैं गया था, उन लोगों ने बोला तू आग लगा देगा भाई, तू आग लगा देगा भाई, तू आग ही लगा देगा भाई। तो मैंने उसी दिन फिर भाई वहीं आग लगा दी, थोड़ा सा मिट्टी तेल डाला एंड भाई स्टेज की वहाँ चोद दी, फिर समझ रहे हो काफ़ी ज़्यादा फिर मैंने आग लगाने वाला काम किया स्कीम। ओ भाई ओ लपेट 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 दो वाले पी, भर जा तेरी माँ का चल। ओके 17 क्रिट, अबे यार मुझे क्रिटिकल हो जाएगा, खैर अरे तेरी बहन को नमन। खैर अपन ने वेट किया कि भाई क्रिटिकल हो जाए, लेकिन लेकिन बट नहीं हुआ गाइस। हराम, अरे भोसड़ी कॉम्बो, अरे मैया, अरे भोसड़ी की, रुको रुको भाई अभी इसका दहशत में लाता हूँ भाई, अभी इसका करियर खत्म, लो खत्म भाई, अभी इसका करियर खत्म किया है मैंने, अब दोबारा नहीं आएगा। तो यार कुछ लाउंडों को करियर जो है पहले मैं रिस्क में डाल चुका हूँ आधा, एंड कुछ लोगों का करियर जो है मैं अब रिस्क में डालूंगा भाई, इसका करियर पूरा बर्बाद कर दूंगा। बैच 99 भैया चल रहे हैं, साइको से खेल रहे हैं और दोनों लगाए हैं असिस्ट झाटू वाले, मतलब फुल रेंज असिस्ट हैं। एक स्वाइप बैक करोगे तो चला जाएगा, दूसरा वाला असिस्ट भी स्वाइप बैक करोगे वो भी चला जाएगा। वाह वाह क्या टीम है, वाह क्या गांडू है, वाह क्या भाई, बढ़िया भाई, कुल मिला के ओपी भाई। भाई ने बहुत ही गलत और बहुत ही बुरा यार पीले, बहुत ही गलत टीम सेलेक्ट करी है भाई। तो पर अबे परफेक्ट आ गया मैं भाई, हुए बहुत सही, क्या बात है। तो भाई अपन अगेन ब्लैक क्या बोलते हैं, व्हाइट निंजा, हाँ व्हाइट निंजा, व्हाइट निंजा के साथ खेल रहे हैं इसकी माँ का छोला। तो व्हाइट निंजा के साथ मार भोसड़ी वाले को भैया, मार भोसड़ी वाले को। तो यार देखो इपिक लेवल 4 और रेयर लेवल 6 असिस्ट लेवल 4 और भाई के साथ, मतलब भाई के पास पूरा स्ट्राइक, तेरी माँ खींचू, भाई के पास पूरा स्ट्राइक, अरे भैसीड़ी की। मैं स्वाइप बैक अगर नहीं करता ना गाइस तो मैं वहाँ पे लपेट सकता था लौंडे को, ये काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन, तेरी रुक जा छोड़ेगा नहीं मैं साला, पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसे ही बोलेगा अपन इसके सामने इसकी माँ का, चल आ जा स्वाइप बैक करूँगा मैं, स्ट्राइक फेल दूंगा। अरे आ रहा, अबे मेरे नेट को क्या हो गया भाई, मैं स्वाइप बैक कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा इसकी माँ भाई, लपेट लपेट, अरे बहुत देर में टच हुआ भाई, बहुत देर में। कभी कभी मेरा स्क्रीन ऐसे फ्रीज हो जाता है, जो मेरे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये गेम दर बर दिन अरे तेरी माँ का छोला भाई, उसी हिसाब की अगर अपन बकचोदियाँ करते रहे तो अबे भैये, अगर इसके पास डैगर रहता ना तो हेल्थ बढ़ा के अब तक मेरे को पेल दिया होता ये। अबे कितना डिफेंस लूँ साला, ये कब मारेगा? ओके अब मारिस भाई। ओके तो अभी जो है अपन ब्रेकर बोम, चलो लपेट दिया। तो बम्बा भैया तुमको मतलब मारा तो बहुत ही बुरा है, लेकिन भाई इतना टाइम मिला तुम आराम से लपेट सकते, मैंने कितने शील्ड उसके सामने स्पैम करी लेकिन साले ने हर बार लपेटा। तो अबे डैगरन का नाम लिया भाई, डैगरन हाजिर, साथ में दो बहुत ही खतरनाक असिस्ट भी हाजिर। तो यहाँ अबे भाई साहब इसको कैसे पता मैं डिफेंस पेलूँगा, मेरे को लगा कि ये स्ट्राइकर है, मतलब स्ट्राइक मारेगा तो मैं अरे तेरी बहन को नमन। अच्छा अपन लास्ट में है ऑलरेडी, अगर अपन लास्ट में नहीं होता ना भाई तो किया पड़ता कैंसिल एंड कैंडिक्स मॉर्गन बम। अबे बहुत छोटी दोनों भाई स्वाइप हो ही हुआ भाई, किया रहती ना वो थोड़ा जल्दी पड़ती है, कैंडिक्स मॉर्गन को वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग गया साला, मैं लपेट देगा भाई आपके, मैं बता रहा। अच्छा लो 12 के भाव में बम। तो देखो यार डैगरन को अपन ने जौहर, अबे भाई किया चल भाई साहब भाई, अरे आजा घुस जा तेरी माँ का चल। अबे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शील्ड दबा सकता था, मतलब मैं डिफेंस मार सकता उसके सामने, पर मैं नशे मैं, अरे वाह क्या बात है, आओ क्रिटिकल। तो भाई अब जो है हेल्थ इसकी थोड़ी रह गई 7000 और इसके पास, अबे भाई सुपर मोड आ गया था, लेकिन लौंडे नशे कर रहे हैं, लौंडे नशे कर रहे हैं बूम। भाई साहब
मैंने सोचा कि भाई मैं मुंह जलने के बाद चाय नहीं छोड़ता, फिर आधी हेल्थ पे लौंडा कैसे छोड़ दूं। अगर इसने कहीं सुपर मोड दबा दिया तो मेरे 12 के भाव में लग जाते। तो मैंने कहा कि भाई एक कॉम्बो बनाओ और मारो इसकी माँ का छोला, देखा जाएगा। तो भाई कैंडिक्स मोर के साथ अपन ने इसको फिनिश किया। यहाँ पे अपन डॉगी अजय भैया डॉगी माने भाई टॉमी के साथ डॉगी डॉगी भाई हमारे मोहल्ले में कुत्तों का नाम टॉमी ज़्यादा रहता है, तो डॉगी उनको कोई नहीं बोलता, इसलिए मेरे मुँह से टॉमी निकल गया, क्योंकि डॉगी मेरा पर्सनल। अरे इसकी माँ का छोला पर्सनल अच्छा था यार, बढ़िया लगता है। अरे तेरी बहन को नमन। ओके ओके नो प्रॉब्लम गाइस, अपन पीछे जा रहे हैं, इतना भी नहीं आगे आ रहे। अरे यार मेरे को लगे कन्फाइनमेंट मोड पे। अरे भैया ओहो कॉम्बो बनाना सीख लिया भाई, मेरे को लगता है सब्सक्राइबर है हमारा कॉम्बो बनाना सीख रहा है। जोनाथन भैया से पर्सनल कमरे में कोचिंग ले रहा है ये भी। अरे भाई बुप्पो अबे भाई कैंसिल, वाह क्या दिमाग पाया भाई, ब्यूटी विद ब्रेन बहनचो, ब्यूटी विद ब्रेन वाला डायलॉग। अबे भाई ये तो सुअर भरने ट्राई कर रहा भाई, ऐसे खेलेगा तो लपेट देगा, ये मैं बता रहा हूँ 99.9% लपेट देगा। पर तुम्हारा भाई भी छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, अरे बबल शॉट प्लस एक ब्रेकर भाई, तुम्हारा भाई है हम ये भ्रम, हम ये सब धामा, हम ये सब धनिया मिर्चा भाई सब है भाई, हम भ्रम में अबे भ्रम सेक्टर एक्स भाई, सेक्टर एक्स जी भाई इलाइट का बंदा इसकी माँ का छोला, एंड भाई बहुत 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 बुरा पेलता है ये बहुत सीढ़ी का। ओके तो अपन यार फिलहाल स्टार्टिंग से कॉम्बो बना रहे हैं अपन जैक, नहीं 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 गलत आउटशॉट, ओ भाई ओपी ओपी, मेरे को लगा मैंने गलती करी स्ट्राइक मारेगा, लेकिन लौड़ू ललित निकला भाई ये तो। अबे भाई ये तो कॉम्बो बनाने लग गया। ओके अपन भी एक चुटकी के हाथों का मोटा लड्डू खा के आए हैं आज। एंड भाई राहुल जी का डायलॉग याद करें अपन ने, तो राहुल भाई अबे यार राहुल जी का डायलॉग अपन पहलेंगे, साथ में मोदी जी की स्टाइल में भी आज अपन लोग खेलेंगे। तो भाइयों और बहनों आज हम लोग शील्ड दबाएंगे इसकी माँ का छोला, नहीं एक ही शील्ड तो थी। ओके ब्रेकर बहुत सही, आजा भर जा। तो भाइयों मेरे मित्रों मेरी गांड मार लो, नहीं ऐसा नहीं करियो मित्रों प्लीज़, बहुत लाल हो रखी है पहले से, मैं ब्रेकर मारूंगा। अरे भाई अबे स्ट्राइक आउट। ओके तो स्ट्राइक आउट करने में सफल हो चुके हैं ये लौड़ू ललित, और अभी अपन जो है स्ट्राइक। अरे भाई क्या बात है, अरे भाइयों क्यों फरामी मानूस। ओके ब्रेकर है अपने पास दोनों स्लॉट में, शील्ड मार मां ब्रेकर मार। अरे भाई चलो शील्ड है, बहुत सही बहुत बढ़िया गाइस, भर दिया अपन ने भर दिया। अबे ओ भाई चलो डैमेज 1800 का डैमेज था, मुझे लगा अब मेरे पास ईपी कॉस्ट है नहीं, अगर इसने कहीं मेरे को गलती से लपेट लिया भाई मतलब समझ रहे होगा कहीं गलती से बच गया तो भाई पेल डालेगा। तो अगेन एक और भाई साहब आ चुके हैं ग्रीन समुराई लेके, निखिल भैया, मेरे को कंफर्म नहीं कि ये वही वाले निखिल भाई हैं या कोई और थर्ड पर्सन, इसकी माँ का छोला। तो गाइस देखो, अरे चार पैर की टैक्सी तो लग रही सेक्सी, रुक जा भाई। अरे टाउन पेल ला इसकी माँ का, अबे भाई 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 अबे नगर अबे यार भाई देखो, कैंडिक्स मॉर्गन जब तक स्कॉर्पिना को नहीं मार सकती जब तक कैंडिक्स मॉर्गन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक्टिवेट नहीं हो जाते। मार स्वाइप बैक चल देखा जाए। ओ भाई चलो ओके, ओ शील्ड दबाएंगे भाई हमारे सामने पिरोपंती बनेंगे भाई, पिरो नहीं हमारे सामने सिर्फ हम ही प्रो, माना कि हम झाटू हैं नहीं, माना कि हम झाटू खेलते हैं लाइव स्ट्रीम के टाइम, इसका मतलब ये थोड़ी ना भाई कि हम चैलेंज भी झाटू खेलते हैं इसकी माँ का। ओ भाई बहुत सड़ी के। ओके ओ भाई साहब चलो लपेटो निखिल भैया, देखो सुअर तो इस कदर बनाएंगे आपको। अबे भाई नहीं यार स्ट्राइक क्यों मार रहे हो इतना ना, चलो स्वाइप। अबे भाई पूरा ध्यान से खेलो, पूरा देश को संभालो कि कैसे तुम बताओ, अगर तुम ब्रेकर ही नहीं मार पा रहे तो लौड़ू ललित कैसे बनोगे यार तुम। आओ ब्रेकर, ओ भाई ओ इसके पास कुछ था नहीं भाई, इसके पास चलो मैं शील्ड बूम ब्रेकर बहुत तगड़ा। तो देखो यार स्कॉर्पिना के पास 90% हमेशा शील्ड रहती है अगर ईपी कॉस्ट हुई तो, तो ये गलती कभी मत करो कि यार स्ट्राइक फेल दो दूर से। घोस्ट भैया आए हैं अगेन इन द बाइटल, देखो घोस्ट भाई से अपनी को बस एक ही रिक्वेस्ट है कि घोस्ट भाई, अरे यार तुम तो स्ट्राइक मार के कैंसिल भी मारते हो, तो घोस्ट भाई देखो सुपर मोड दबाना जब मेरे को बता देना प्लीज़ मेरी बहुत। अरे भेसड़ी की क्या गुंडा बनेगा रे तू, अबे तू जा रे क्या गुंडा बने लो, गुंडा बनवाएंगे भाई, पॉइजन डैमेज पूरा लपेटेंगे अपन पॉइजन इसकी माँ का छोला। गाइस मैं अफ्रीका गया, वहाँ पे मैंने लोगों की तीन टांगे देखी भाई, अफ्रीका में सच में लोगों की तीन टांगे होती हैं यार, दो तो बहुत ही मजबूत थी यार, वो तीसरी वाली टांग मेरे को थोड़ा छोटी लगी एंड मेरे को थोड़ी सी कमज़ोर थी, मतलब ऐसी लगी मेरे को कि कमज़ोर भी है थोड़ी सी। तो भाई मैंने सोचा कि यार गरीबों की थोड़ी बहुत ही सेवा करी जाए, तो भाई मैंने अफ्रीका में कुछ गरीबों की यार टांगों पर तेल से मालिश करी भाई, तो भाई ताकि उनकी तीसरी टांग भी थोड़ी सी मजबूत हो जाए। तो यार मैंने वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोगों की ऐसे मदद करी कि भाई उनकी तीसरी टांग में ऐसे गर्म तेल से मालिश करी, मतलब यार मैं चाहता हूँ कि हर आदमी के जो हाथ पैर हैं वो सुरक्षित रहे। अब मेरे को पता नहीं है, बाद में मैं आते समय जो पूछ रहा था कि भाई
मतलब आते समय मैं जब अफ्रीका से वापस आया तो मैं जंगल से निकल रहा था एंड भाई मैं मतलब मेरे को मतलब यार ये हुआ कि भाई पूरे भारत में पूरे इंडिया में मतलब पूरे हर जगह पूरे देश में पूरा सारी कंट्रियों में लोगों की दो ही टांग होती हैं। तो भाई ये अफ्रीका में यहाँ सारा लोगों की तीन टांगें कैसे हैं? तो भाई मैंने ऐसे कुछ आदमी लोग जो खड़े हुए थे रोड पे, मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे जो अफ्रीका में लोगों की तीन टांगे कैसे होती हैं? तो मेरे को एक बहुत ही खतरनाक सा जवाब मिला। तो भाई वहाँ पे एक लौंडे ने बोला कि भाई वो टांग नहीं है। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, वो टांग क्यों नहीं? कहा भाई लौड़ा है वो, ऐसा बोले। मेरे को ऐसा बाद में महसूस हुआ कि भाई इतना लंबा कैसे यार। खैर छोड़ो यार, बहुत बुरा लगता है जब हम लोग गरीबों की इतनी सेवा करें एंड बाद में पता चले कि यार वो टांग नहीं है, कुछ और है। खैर छोड़ो, हम बैक टू द पॉइंट गाइस। गेम प्ले की मैच नहीं, गेम प्ले हम लोग सुधारेंगे अपना, बहुत पीरोपंती कर रहे थे हम लोग। ओके, तो अफ्रीका वाला किस्सा हम किसी और दिन सुनाएंगे लाइव स्ट्रीम पे। अगर आप लोग को सुनना है तो प्लीज़ अफ्रीकन वाला किस्सा ऐसे करके लिखो कमेंट में, इसकी माँ का छोला। ओके, तो तीसरी टांग का ए भाई साहब ब्रेकर है अपने पास, हम झांसा दे रहे थे तुमको। अबे चूतिया बनाया तुमको भाई हमने, हमें अबे भाई लौड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। अबे भाई ये तो मारे जा रहा भाई, मारे जा रहा भाई, मारे जा रहा। मेरे को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अंड बंड का टोला, जो ना जीते उसकी माँ का छोला, मतलब जो मुझसे जीत जाए उसकी माँ का छोला। भाई नया डायलॉग तुम्हारे भाई ने बनाया, अंड बंड का टोला, जो मुझसे जीते इसकी माँ का छोला। आओ अभी अपन, अबे भैया सीढ़ी का क्या गुंडा बनेंगे रे बाबा, क्या गुंडा बनेंगे गाइस। ओ भाई तुम्हारा भाई प्रो प्लेयर है, तुम्हारा भाई ब्रह्म, तुम्हारा भाई अश्वत्थामा, तुम्हारा भाई गॉम्बो बनाने में बहुत ही परफेक्ट खेलता है भाई। तुम्हारा भाई ये सब कुछ इस गेम में, जितने भी लौंडे पावर रेंजर गैलेक्सी वॉर्स खेलते हैं सबको मेरा वीडियो भेजो, सबको बोलो सब्सक्राइब करो वरना भाभी भाग जाएंगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे था, अरे मैया रियल थंडरस्टॉर्म इसकी माँ को चला, इलाइट वाला बंदा भाई, स्कॉर्पिना परमानेंट चलाने वाला। मैं इसके सामने स्कॉर्पिना का लैंड चलाऊंगा। ओके, पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई इसको मैं स्कॉर्पियो, मतलब ये मुझसे अच्छा स्कॉर्पिना चलाता है, ये परमानेंट स्कॉर्पिना चलाता है भाई। मैं परमानेंट ब्लेक चलाता हूँ, स्कॉर्पिना नहीं चलाता हूँ इसकी माँ। अरे भैया तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई इसको लपेट दूँ। मैंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसको बहुत डैमेज दिया गाइस, इसकी माँ का चला। ओ भाई शील्ड थी मेरे पास, लेकिन भाई हमें तो नशे करने, भाई हमें तो लैंडी खिलाड़ी बनना। ओके, तो पॉइजन है 14, 13, 11, 1000, 9000, 1200, 800 एंड 400। अगर मैं नहीं भी मारता ना गाइस तो 400 आ गया था पॉइजन डैमेज, वहाँ तक आते आते वो लपेट देता, लेकिन लौंडों को कोई भरोसा नहीं है भाई मेरे को लपेट। ऋषभ बॉस भैया आ गए हैं यार, ब्लेज लेके ऋषभ बॉस भैया आ चुके हैं। मेरे को पूरा बराबर डर लग रहा है क्योंकि ऋषभ बॉस भैया ब्लेज से खेले, ब्लेज भाई ओपी इन द गेम। अरे भैया ओ भाई भाई चलो ठीक है, ऐसे खेलोगे तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। अबे भाई ओ चलो बबल शॉट भी पड़ा, बबल शॉट ओपी इन द गेम एंड अरे यार शिट 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 शिट, अंड बंड का टोला, जो मुझसे जीत जाए इसकी माँ का छोला। ओके ब्रेकर बम बम बम, ओ भाई 3838। अरे यार मैं नशे कर रहा, मैंने सुपर मोड नहीं दबाया ना स्टार्टिंग में, मैं मार देता वैसे ही। ओके तो भाई मेरे को सुपर मोड दबाना चाहिए था, उस समय मेरा डैमेज जो है वो ट्रिपल डबल तो हो ही जाता। अरे तेरी बहन की सूर्या काटूं, खैर इसका सूर्या काटेंगे गाइस। अबे भाई क्या लैंडी खिलाड़ी है ये भाई साहब, मेरे को जीतना है कुछ भी करके भाई। अंडबंड का टोला, जो मुझसे हारे इसकी, जो मुझे हराए उसकी माँ का छोला। भाई तीन बार डायलॉग बोल चुका हूँ, मंत्र काम नहीं कर रहा, क्या एक बार और बोलता हूँ। अबे भाई वाईफाई वाईफाई, हाँ लगा 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 लगा। तो गाइस यार एक्चुअली मैं जब मैं ये चैलेंज खेल रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि टाइम ओवर हो गया है एंड टाइम ख़त्म हो गया था, तो अपन चैलेंज से एग्जिट हो गया एंड टोटल कितने विन हुए हैं अभी मैं दिखा नहीं पाया। तो जब ये दोबारा चैलेंज बिगन होगा तब मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में। बाकी यार ये वाला चैलेंज गेम प्ले कैसे लगा बताना, तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखो, बाय।